हेलो एवरीवन, आज है 22 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, डीलिस्टिंग को लेकर खबर आई है ये। और आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि उसकी डीलिस्टिंग को अप्रूवल, मतलब बोर्ड ने, अदानी पावर का जो बोर्ड है उसने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि हाल फिलहाल में क्या करना चाहिए, खरीदारी की हो तो क्या करना चाहिए और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी सत्य की अदानी पावर 38 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में अदानी पावर के शेयर में 15% का ग्रोथ है। 33 रुपीज के ऊपर शेयर था, बड़ी रैली आई, 40 रुपीज तक पहुंचा, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, 36 रुपीज तक भी टूट गया, लेकिन बाद में पिछले कुछ दिनों से हल्की हल्की तेजी बनी हुई है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 20% की गिरावट है। 71 रुपीज से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, 25 रुपए तक का भी लो बना चुका था ये। तेजी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेजी आती है। 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में अदानी पावर में तकरीबन 40% का ग्रोथ है। 71 रुपीज तक का हाई है, 15 रुपए तक का भी लो ये बना चुका था। बड़ी रैली आई और देखिए, तेजी के बाद गिरावट भी आई है, फिर तेजी आई है, फिर गिरावट आई है, फिर बहुत बड़ी रैली आई, तेजी के बाद गिरावट यहाँ पर बनी रही। पिछले 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में अदानी पावर का जो शेयर है उसमें 68% की गिरावट है। 140 145 रुपए के लेवल से शेयर टूटा, वो नीचे आया, बाउंस बैक भी किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई। यहाँ पर हम अगर देखें तो मिड कैप स्टॉक है ये, 14,775 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग है, FIs के पास 12.35% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.92% जितनी होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर कौन है, गौतम अदानी यहाँ पर सबसे बड़ा प्रमोटर है, जिनके पास 36.43% की होल्डिंग है, फैमिली ट्रस्ट है उनका, और तकरीबन 32% जितनी होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। 14 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा, 132 FIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 3.67% है, डिविडेंड की कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि अदानी पावर का जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर लिया है अदानी पावर की को डीलिस्ट करने के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में से इनको डीलिस्ट कर लिया जाएगा, मतलब कंपनी को हटा दिया जाएगा, कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, अदानी पावर बोर्ड्स ऑन मंडे, मतलब आज, अप्रूव द प्रपोजल टू डीलिस्ट द कंपनीज इक्विटी शेयर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। द कंपनी हैज वर्कड आउट द फ्लोर प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ 33.82 रुपीज टू बाई 96.53 करोड़ स्क्रिप्ट। तो देखिए, कुल मिलाकर अदानी, मतलब अगर पब्लिक के अगर हम बात करें तो 96.53 करोड़ जितने शेयर्स प्रमोटर के पास नहीं है, बाहर है, तो इन सबको खरीदा जाएगा 33 रुपए 34 रुपए की प्राइस पर। जो प्राइस आपको दिख रहा है 33.82 रुपीज की जो प्राइस है उसके ऊपर इनको खरीदा जाएगा, जिसकी कुल अगर हम कीमत की बात करें तो 3,264 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है। तो प्राइस जरूर कम है क्योंकि शेयर ऑलरेडी, अभी अगर हम देखें तो आज भी 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस अगर हम आज की ही बात करें तो शेयर में गिरावट भी आई थी जब बोर्ड ने इसको अप्रूव कर लिया था, 36 रुपीज तक शेयर टूट भी गया था, लेकिन फिर से इसने बाउंस बैक भी कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 33.82 रुपीज का प्राइस सबको ऑफर किया जाएगा, जो मौजूदा प्राइस से काफी 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 कम है। इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग द कंपनी सेड इट विल सीक शेयर होल्डर्स नोट फॉर डीलिस्टिंग ऑन बीएससी एंड एनएससी थ्रू अ पोस्टल बैलेट। तो देखिए, शेयर होल्डिंग से परमिशन ली जाएगी पोस्टल बैलेट के द्वारा। द शेयर ऑफ द कंपनी वर ट्रेडिंग 37.85 रुपीज अ पीस। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें जाए तो डेफिनेटली शेयर काफी बड़े प्राइस पर ट्रेड करें तो शेयर होल्डर को यहाँ पर लॉस ही है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक और बड़ी खबर है, फिंच रेटिंग है जो काफी बड़ी रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने कहा है कि कंपनियों का इस तरीके से डीलिस्टिंग करवाना कंपनीज में गवर्नेंस इश्यू को इससे बढ़ावा मिलेगा। देखिए, हेडलाइनिंग है, डीलिस्टिंग में क्रिएट गवर्नेंस इश्यू इन कंपनी। ये फिंच रेटिंग ने सरकार को वॉर्न किया है, क्योंकि तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो सेबी उन पर नजर रखती है, क्योंकि पब्लिक इसमें पैसा लगा दिए तो सेबी का फर्ज बनता है कि वो नजर रखे कि भैया जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ कोई धोखा ना हो और कंपनी अपना काम कर सके। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में होगी नहीं तो कंपनी
तो कंपनी सेबी को किसी भी तरीके का मतलब रिपोर्ट देने में कोई बात या नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि किसी का पब्लिक का पैसा तो है नहीं। अब कंपनी का अपना खुद का पैसा है और कंपनी अपने खुद के पैसे से जो चाहे वो वहां पर कर सकती है। तो इसीलिए कहा है कि भैया पहले तो जब पैसों की जरूरत थी तब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवा के अच्छा खासा पैसा ले लिया, अब बाद में, क्योंकि देखिए काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 71, 75, 70 रुपीज के ऊपर भी खरीदारी की होगी, तो उनके लिए तो लॉस ही है। ओके, उन्होंने उनको लगा कि चलो यार अब 1 साल बाद बढ़ जाएगा, 2 साल बाद बढ़ जाएगा। तो काफी लोग ऐसे होंगे कि जो 50 रुपए से भी इसको होल्ड करके आए होंगे, 60 रुपए से भी होल्ड करके आए होंगे, 45, 40 रुपए से भी किसी ने होल्ड किया होगा, तो लॉस उनके लिए अभी भी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अभी अगर हम रिसेंट बात करें तो वेदांता भी डीलिस्टिंग करवा रही है, हेक्सावेयर भी करवा रही है, और अदानी पावर भी इसी रेस में शामिल है। तो यहाँ पर इस तरीके से है कि कैश रिच प्रमोटर्स एमएनसीज अनलिस्ट डीलिस्टिंग एज अ प्राइस इरोशन रॉक बॉटम वैल्यूएशन हिट स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर यह है कि प्रमोटर ऐसे वक्त में कंपनियों को डीलिस्ट करवा रहे हैं जब ऑलरेडी ये शेयर काफी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफी सस्ता जब ट्रेड कर रहा है तो कंपनी इसको डीलिस्ट करवा रही है, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि जिस प्राइस पर अभी शेयर ट्रेड कर रहा है ये उसकी रियल वैल्यू नहीं है, उससे 2 गुनी वैल्यू इस कंपनी की है, इस शेयर की है। देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट विलिंग अंडर द वर्स्ट बियर ऑनसाइट मोर देन अ डेकेड नाउ द बैटलिंग ऑफ ग्रोइंग द ट्रेंड ऑफ द वाइडली कंपनीज गेटिंग डीलिस्टेड एज द एंग्री प्रमोटर्स टेक एडवांटेज ऑफ अ नियर रिकॉर्ड लो वैल्यूएशन बिटन डाउन स्टॉक प्राइस। देखिए यहां पर प्रमोटर इसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि शेयर इतना नीचे गिर चुका है कि ये अभी हाल में अपनी ओरिजिनल प्राइस पर ट्रेड नहीं कर रहा है, ये अपनी ओरिजिनल प्राइस से काफी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए प्रमोटर यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, प्रमोटर टेक एडवांटेज ऑफ नियर रिकॉर्ड लो वैल्यूएशन एंड बीटन डाउन स्टॉक प्राइस। तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड लो प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और इसमें आपको देखिए कि 4 कंपनीज मेटल एंड माइनिंग जॉइंट वेदांता, सॉफ्टवेयर कंपनी हेक्सावेयर, इलेक्ट्रिकल पावर कंपनीज अदानी पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग एमएनसी इंटरग्लोबल सॉल्ट, तो ये अभी डीलिस्टिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खुद से डीलिस्ट करवा रहे हैं। तो जो प्राइस भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं ना वो काफी सस्ता प्राइस है, कोई सही प्राइस यहाँ पर ये नहीं है। तो लॉस यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स का है और प्रमोटर्स का यहाँ पर फायदा ही फायदा है। यहाँ पर अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में इसका सिचुएशन दिखाने की कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो 46% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं अदानी पावर में, 10% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 44% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं, मतलब 90% लोग कह रहे हैं कि भैया पॉजिटिव रहो, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, और 10% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर अदानी पावर के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्च में इनके जो नतीजे आए थे वो बहुत बुरे थे, 1,312 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हुआ था, पिछले क्वार्टर में भी 702 करोड़ रुपए का नुकसान था, उससे पहले सितंबर में सिर्फ 4 करोड़ से मुश्किल से इनका प्रॉफिट था, इससे पहले जून में 260 करोड़ का लॉस था, इससे पहले हालांकि 634 करोड़ का भी कंपनी मुनाफा कर चुकी है। तो पिछले 4 क्वार्टर के नतीजे बहुत ही बुरे है ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। और तो अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 74.97% की होल्डिंग है, और तकरीबन 32% की होल्डिंग गिरवी भी है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 9.99% की होल्डिंग 12.35% तक पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, 2.73% की होल्डिंग 0.92% की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। ओवरऑल अगर मैं अदानी पावर के बारे में बात करूँ तो जरूर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स का नुकसान है, क्योंकि उन शेयर होल्डर्स का क्या जो 70 रुपए से, 65 रुपए से, 60 रुपए से, 55 रुपए से, 50 रुपए से, 45 रुपए से इसको होल्ड करते आए हैं, और 33 रुपए का प्राइस जो प्राइस है उनको ऑफर किया जा रहा है वो वाकई में काफी कम है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है वो और ज्यादा बड़ी यहाँ पर हो सकती है। दूसरी बात अगर हम कहें तो अदानी पावर को हाल ये भी कुछ चर्चा है कि इनको आने वाले दिन में और बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल सकते हैं, तो कंपनी का तो यहाँ पर फायदा ही फायदा है, शेयर होल्डर्स का यहाँ पर नुकसान जरूर है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि देखो बोर्ड्स ने जो कंपनी का बोर्ड है उसने अप्रूवल दिया है डीलिस्टिंग का, अभी भी सेबी के द्वारा इसको अप्रूवल नहीं मिला है, और इसके लिए वोटिंग भी होने वाली है, वोटिंग भी होगी यहाँ पर इसको लेकर कि इस प्राइस पर इसकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि पैनिक में आकर इसको बेचने की गलती मत करिएगा, ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 33 से 34 रुपये तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है, तो आप अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करके, यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है। अगर शेयर बाद में 34 रुपये के ऊपर अगर डीलिस्टिंग हो भी गया तो
तो आपके अकाउंट में सीधा इसका पैसा आ जाएगा, ठीक है, आपके अकाउंट में सीधा इसका पैसा आ जाएगा। दूसरी बात है कि अगर नहीं हुआ डीलिस्ट तो आपका फायदा ये है, अगर तो इनको जो प्रमोटर है इनको प्राइस बढ़ानी पड़ जाएगी बेचने के लिए, अगर डीलिस्ट नहीं हुआ तो, अगर लोगों ने मना कर दिया तो इनको अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ जाएगी। तो दोनों चांसेस हैं यहाँ पर, एक तरफ अगर 34 रुपए के आसपास डीलिस्ट हुआ तो थोड़ा सा लॉस जरूर होगा, लेकिन नहीं हुआ तो फायदा भी आपको होने के चांसेस है, तो 50-50 चांस यहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगा कि मैं बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगा, अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं बाई करने की एडवाइस नहीं दूंगा, मैं इसको इग्नोर करने की एडवाइस दूंगा, लेकिन जिन्होंने खरीदा है उनको मैं होल्ड करने की एडवाइस दूंगा यहाँ पर। कि देखियो अगर डीलिस्ट हो भी जाएगा तो आपको पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा, अगर डीलिस्ट नहीं होगा तो ऑलरेडी शेयर आपको अच्छा प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल ही जाएगा यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।